दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर कुछ इस शब्दों के साथ। एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिगार्ड, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। आप अपने पास्ट को अगर बिना किसी भय के एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी शालीनता से एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जो प्रेजेंट है उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करिए, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, और जो आपका फ्यूचर होगा बिना किसी डर के आप उसका सामना करिए, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। डर ही है जिसपे आपको जीत की आवश्यकता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, कलाम साहब के इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले अपन बात करेंगे सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का 11वां उद्घाटन कहाँ किया गया। वेयर हैज द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 इनोग्रेटेड। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है लेह के अंदर किया गया है इसका इनोग्रेशन। ठीक है, लेह में पर्वतीय समिट का आयोजन किया गया जिसमें पर्वतों के संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई, और खासकर पर्वतों में किए जा रहे प्रदूषण की बात की गई। आप घूमने जाते हैं और वहां पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जमा कर देते हैं। आइए अगली बात करते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। इन विच स्टेट हैज पीएम मोदी इनोग्रेटेड द महाकाल लोक। इसका आंसर शायद आप लोगों को तो बहुत आसानी से पता होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का, श्री महाकाल लोक का क्या हुआ है, उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, धार्मिक कॉरिडोर है, रिलीजियस कॉरिडोर है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा। अभी कुछ ही दिनों पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बता देता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन कराने वाले हमारे होलकर साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्या थी। आपको ये ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि देवी अहिल्या ने गया में कौन सा मंदिर बनवाया था। आइए तब तक अगले क्वेश्चन के साथ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 तक कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार वाला देश बन जाएगा। विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन बायर बाय 2024। आंसर है इसका इंडिया। और ऐसा फ्लिपकार्ट कहता है कि भैया भारत 2024 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार देश बन जाएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा कंज्यूमर कहाँ है, भारत के अंदर है, और भारत में मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा है। जो मिडिल क्लास होता है वही सबसे बड़ा क्या होता है, मार्केट होता है कहीं भी दुनिया के अंदर। आइए अगली बात करते हैं। भारत के 50वें सीजेआई कौन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु विल द फिफ्टीथ सीजेआई ऑफ इंडिया। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत के 50वें राष्ट्रपति, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। और इस प्रश्न के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फोटो देख के ही आप शायद समझ गए होंगे, ये हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या है, ध्यान रखिएगा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने प्रैक्टिस करी। 1998 से लेके 2000 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जज बने हैं। ध्यान रखिएगा, यूयू ललित के बाद अब सीजेआई कब, 8 नवंबर के दिन कौन बनेगा, डी वाई चंद्रचूड़ जी बनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। और आपको ये भी बता देता हूं कि इनका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। क्लियर हो गई बात, चलिए अगली बात करते हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो व्हेन द गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड, तो उसका आंसर है 11 अक्टूबर के दिन। ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है, गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने कल इस चीज को बताया था, किसमें दिया था, अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको बराबर अपडेट मिलती रहेगी। अब आपको बता देता हूं इसकी थीम क्या थी। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अवर टाइम इज नाउ, अवर राइट्स, अवर फ्यूचर। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थी, थीम थी, जो आपको पता होनी चाहिए। अब महिलाओं से संबंधित कुछ दिवस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है। तो नेशनल वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च है ना, नेशनल चाइल्ड, सॉरी नेशनल गर्ल्स डे 24 जनवरी,
ठीक है। और उसके बाद होता है नेशनल वुमेन्स डे, वो होता है 13 जनवरी, और 13 फरवरी, और 13 फरवरी के दिन ही हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे देश की प्रमुख नायिकाओं में से एक सरोजिनी नायडू जी का क्या है, जन्मदिवस है। आइए अगली बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण किया, इन विच स्टेट हैज द होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टेच्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो आपको पता है बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण किया, क्योंकि कल 11 सितंबर के दिन जयप्रकाश नारायण जी का, जेपी जी का क्या था, बर्थडे था। ध्यान रखिएगा कल नानाजी देशमुख का भी बर्थडे था और जयप्रकाश नारायण जी का भी बर्थडे था। अगली बात करते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 2022 किस देश में शुरू हुआ, इन विच कंट्री द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 हैज बीन स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको तो बनना ही बनना चाहिए, और इसका आंसर है भारत। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है उसको क्या कर दिया गया था, कुछ दिनों के लिए बैन किया गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका बैन हटाया गया, और अब भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा भारतीय टीम, भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत ने अभी तक इसके लिए क्वालिफाई नहीं किया, पर होस्ट कंट्री अपने आप क्या हो जाती है, ध्यान रखिएगा अपने आप क्वालिफाई कर जाती है, अपने आप उसकी मेंबर बन जाती है, दैट्स व्हाई। अब आपको यहीं पर बता देता हूं, फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप मेल ये कहां हुआ, इंडिया में हुआ, कब हुआ, 2017 के अंदर। मतलब अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ये दूसरा है, ये वुमेन्स का है, और इसके पहले 17 का हुआ था मेन्स का। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल के लिए आप हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप से जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात, आपको ये भी बता देता हूं कि जो ये टूर्नामेंट है, ध्यान रखिएगा ये टूर्नामेंट अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये स्टार्ट हुआ 2008 से। कब से स्टार्ट हुआ, 2008। अब अगली बात करते हैं, कौन जल्दी अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहला अभिनेता बनेगा, He will soon be the first actor to shoot in space। आपको पता होना चाहिए टॉम क्रूज जो है वो अब पहले दुनिया के ऐसे एक्टर बनने वाले हैं जो क्या करेंगे, अंतरिक्ष में जाके शूटिंग करेंगे। मतलब अगर हम कहें कि जो हमें स्पेस दिखाना है उसको हम रियलिस्टिक फॉर्म में दिखा पाएं, एनिमेशन के फॉर्म की बजाय, तो टॉम क्रूज ऐसे पहले एक्टर होने वाले हैं जो कि स्पेस में जाके शूट करेंगे, और ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न के साथ, देश का इकलौता ऐसा कौन सा शिवालय है जहां श्रद्धालु खंडित शिवलिंग के पूजन करते हैं, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझें, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये है बिरसिंहपुर। बिरसिंहपुर कहाँ है, सतना के अंदर है, और मैं आपको बता देता हूँ सतना से लगभग 35 किलोमीटर दूर गैवीनाथ जी का मंदिर है, और गैवीनाथ जी वहां काल जी का स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ध्यान रखिएगा इकलौता शिवालय है जहां श्रद्धालु खंडित शिवलिंग का पूजन करते हैं। आपको यह भी पता होगा, एक स्टोरी है बड़ी अच्छी सी, अगर आप लोगों को लगे तो एक सुना देता हूं 2 सेकंड। देवपुर कहलाता था पहले, त्रेता युग के अंदर बिरसिंहपुर को क्या कहते थे, देवपुर कहते थे, और यहां गैवीनाथ मंदिर है, और इसका वर्णन कहां मिलता है, पद्म पुराण के अंदर मिलता है, और पद्म पुराण का एक पार्ट है पाताल खंड, वहां पे मिलता है। वीर सिंह देवपुर के एक राजा हुआ करते थे जो महाकाल बाबा के रोज दर्शन करने आते थे। अब क्या हुआ, वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने भगवान से क्या की, आराधना की कि भैया आप प्रकट होइए और हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं अब वहां तक आने में समर्थ नहीं हूं। तब उनके घर के चूल्हे में क्या हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए, और वहीं पर क्या हुआ, शंकर जी की स्थापना कर दी गई है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न के साथ, देश का सबसे बड़ा धार्मिक कॉरिडोर श्री महाकाल लोक की लंबाई कितनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का सबसे बड़ा क्या कहेंगे अपन इसको, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा कॉरिडोर है धार्मिक रिलीजियस कॉरिडोर, इंडियाज लार्जेस्ट रिलीजियस कॉरिडोर श्री महाकाल लोक। तो इसकी लेंथ कितनी है, या लेंथ ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रिलीजियस कॉरिडोर श्री महाकाल लोक इज, तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई है 940 मीटर। क्लियर हो गई बात, देश का सबसे बड़ा है इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला है, देश का पहला नाइट गार्डन कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा देश का पहला नाइट गार्डन बताया गया है श्री महाकाल लोक को, श्री महाकाल लोक को ही ध्यान रखिएगा देश का पहला नाइट गार्डन बताया गया है, और ये आपको पता होना चाहिए। महाकाल लोक का उद्घाटन 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा ये इसके पहले मैंने अभी आपको बताया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो चुका है। अगले प्रश्न के साथ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, यंगेस्ट प्लेयर इन 36 नेशनल गेम हु वॉन द मेडल।
ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा और गेम भी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, सौर्य जीत मलखंब खिलाड़ी हैं और इन्हें कौन सा मेडल मिला है? ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मलखंब के खिलाड़ी हैं सौर्य जीत। मलखंब हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और मलखंब आपको पता है एकेडमी उज्जैन के अंदर है, और आपको यह भी पता है कि मलखंब का प्रमोशन लगातार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें गुजरात भी पीछे नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सौर्य जीत सबसे युवा 10 वर्ष के हैं। और आप लोगों को सौर्य जीत के बारे में बता दूं, इनके पिताजी का निधन हो गया था 30 सितंबर को, पर इन्होंने अपने खेल पर ध्यान दिया और आज आप देखिए, आज मैं कहूं कि 11वें दिन ही उन्होंने मेडल जीत लिया। 10 साल के सौर्य जीत 36वें राष्ट्रीय खेल 36 नेशनल गेम में यंगेस्ट प्लेयर हो गए हैं, जिन्हें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा शेयर करिए। और इन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।